Coffee. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, फिर से स्वागत है एक प्यारे से ब्लॉग में। और अभी मैं चेन्नई के एक बहुत ही फेमस जगह में आया हूँ, जिसे कहा जाता है क्वींसलैंड। और यहाँ बहुत प्रकार का झूला उला है दोस्तों, अंदर घुस करके एकदम मस्ती होता है यहाँ। तो अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं फुर्सत निकाल करके, तो आज यहाँ फुल मस्ती करेंगे। और आज मेरे साथ में है ओडिशा का लौंडा, ये विकास। हम लोग टाइम निकाल करके आए हैं और इधर अभी टिकट लेना है 500 रुपया का, उसके अंदर जितना मस्ती कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं, टिकट लेते हैं, उसके बाद घुसते हैं अंदर दोस्तों और मस्ती करके निकलेंगे यहाँ से। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए मैं आप लोगों को भी घुमा देता हूँ। तो यहाँ वेलकम करने के लिए है गाइस, अभी हम लोग घुस गए हैं। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत है। और इधर एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। ये गाइस हम लोग लिए हैं 2 टिकट, इसमें हम लोग का लगा है चूना कम से कम 1500 रुपया। और अभी इधर अंदर इतना बड़ा एरिया है, कैसे मस्ती करेंगे सोचना पड़ रहा है हम लोग को। अगर बड़ा ग्रुप में आते तो खूब मस्ती करते गाइस, लेकिन हम लोग बस 2 ही जन आए हैं। और इधर देखिए वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत। गाइस इधर है क्वींस टावर, फ्रीफॉल, इसमें भी चढ़ना पड़ेगा। अब हमारी बारी गाइस, आगे चला गया। तो यहाँ लोग बैठ चुके हैं। तो गाइस हमें ये रिबन मिला है और जिसे हाथ में लगाया गया है। और यहाँ 12 प्रकार का झूला झूलने वाला है या कुछ भी मस्ती करने वाला चीज़ है। अब हम लोग का एक वाला नंबर ख़त्म हो गया है, अभी बचा है 11। तो चलते हैं आगे, क्या है उसमें चढ़ेंगे। यह है फर्स्ट वाला क्वींस टावर, इसमें चढ़े थे, देख सकते हैं खूब इंजॉय कर रहे हैं ये। गाइस सच में बहुत मज़ा आया, लेकिन जब ऊपर चढ़ते टाइम अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे हम पृथ्वी छोड़कर कहीं टपक गए कोई दूसरी दुनिया में, लेकिन उतरते टाइम एकदम जान निकल ही जाता है दोस्तों। इधर ये ब्रेक डांस वाला झूला चालू हो गया है दोस्तों। देखे होंगे कितना मस्त, कितना स्पीड से घूम रहा था ये। तो अभी हम लोग आनंद लेने के लिए बैठ गए और अभी स्टार्ट होने ही वाला है। खूब मस्ती कर रहे हैं गाइस हम लोग आज। तो गाइस अभी ब्रेक डांस के बाद ये वाला झूला में झूलना है, और ये थोड़ा सा अलग टाइप का है और देखने में तो काफी मजा आएगा जैसे लग रहा है। चालू हो चुका है अभी। मस्ती। लड़की रहती ना गाइस, बहुत मजा आता सच में। हो गया स्लो। तो गाइस हम लोग का 3-2 नंबर खत्म हो चुका है और अभी चौथा नंबर है, हम लोग जा रहे हैं। यहाँ ट्रेन है गाइस, वीडियो में दिखा दूंगा, बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही इंजॉयबल है। यह रेलवे ट्रैक अभी स्टार्ट हो रही है, देखिए ट्रैक आप देख सकते हैं एकदम जीग जैग है, ऊपर नीचे स्टार्ट हो चुकी है। अरे बाप रे, अरे देख लेते हैं उसके बाद में चढ़ेंगे। स्लो मोशन में अचानक से स्पीड हो जाएगा गाइस, रूट चेंज कर रहा है रूट। ये नेक्स्ट नंबर इसमें है हमारा, चला
तो गाइस हम लोग का ट्रेन का जर्नी बहुत ही खतरनाक था और वहाँ का ट्रैक भी देखे होंगे आप लोग की कैसे था, बहुत ही जिगजैग है। और एक बार तो ऐसे टेढ़ा लेके रोक दिया था गाइस, ऐसे हो गया था पूरा, लेकिन मजा आया, डर भी लग रहा था लेकिन बहुत मजा आया। बहुत चीज बाकी है गाइस, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर वॉच कीजिएगा, आप लोग भी मेरे साथ मजा करते रहिएगा। फर्स्ट टाइम ऐसे प्लेस में मैं आया हूँ। अभी जो नेक्स्ट में चढ़ने वाले हैं वो तो और ही खतरनाक है, इधर देख सकते हैं बैक साइड में, चलिए इसका भी मजा ले लेते हैं। तो गाइस मैं इसमें चढ़ चुका हूँ और अभी कैमरा पकड़ने को नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि देखे होंगे कैसे तिरछा होके ये घूमता है। तो अभी मोबाइल को रख देता हूँ, तो गिरने की भी संभावना है इसमें। मेरे साथ है वो जो पीछे बैठा है पीछे। तो गाइस अभी स्टार्ट होने वाला है तो मैं मोबाइल को थैला में रख देता हूँ। गाइस मज़ा तो बहुत आ रहा है, अभी ये वाला कार में चढ़ना है ऊपर, इसका रोड ऊपर है नहीं, बहुत देर से लाइन लगे हुए हैं, हमारा नंबर पहुंच ही नहीं रहा है, ये थोड़ा खतरा वाला है दोस्तों, बहुत ही डेंजर लग रहा है देखने में ही, लेकिन मज़ा आएगा। हमारा बारी पहुंच गया है इसमें बैठने का, ये देखिए बैठ लेते हैं इसमें और मस्ती करते हैं यहाँ फुल। गाइस 750 रुपया का असूल तो हो ही जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, झूला झूल करके इधर उधर ऊपर नीचे स्विंग करके और दहने बाएं लेट कर उड़ने वाला सिस्टम में, और बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। हम लोग थोड़ा सा पछतावा हो रहा है कि हम लोग बड़ा ग्रुप में नहीं आए, बस 2 ही जन आए, और अगर लड़कियाँ भी रहती तो बहुत मज़ा आता है ग्रुप में, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम लोग पहली बार आए थे, फर्स्ट टाइम सब चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। सामने कैंटीन है गाइस यहाँ, और शायद यहाँ सब चीज़ महंगा ही होगा लेकिन कुछ तो लेना ही पड़ेगा, भूख भी लगी है, झूला झूल झूल कर हमारा पेट खलास हो गया है। मिरिंडा ले लिए गाइस, बहुत प्यास भी लगी है, बहुत ज़्यादा धूप है, एक एक लिए ये तो पीना चालू कर दिया है, इसका गला ज़्यादा सूखा हुआ था। इधर ये गिलहरी का घोंसला और इधर गिलहरी खुदक चल रहा है। गाइस काफ़ी टाइम के बाद में अभी वॉशरूम घुसे हैं दोस्तों, थोड़ा सो लेते हैं, पेट उठ में गैस भर गया अभी, अभी इसमें चढ़ना बाकी है। तो अभी हमारी बारी आ गई है और चारों ओर तो लड़कियां ही नज़र आ रही हैं, देखते हैं कहीं जगह खाली होगा तो, वो सामने लड़कियों के बीच में ही जगह खाली है, वाओ। गाइस हमें तो अभी ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम लोग हवा में बैठे हुए हैं और राउंड राउंड चक्कर काट रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों।
हम लोग गोल गोल घूमते हुए धीरे से ऊपर चढ़ गए थे और ऊपर हवा में उड़ रहे हैं जैसे लग रहा था। अभी तो गाइस नीचे धीरे से आ रही है हमारी चक्री। सबसे ज़्यादा मज़ा दोस्तों ये चक्री वाला में घूमने के लिए आया और अभी भी घूम घूम कर थोड़ा सा चक्कर चक्कर सा लग रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आया। क्वींसलैंड का म्यूजिक वर्ल्ड देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है। लड़कियों को देखिए खूब मस्ती कर रहे हैं सभी कोई अपने अपने, ये एक अलग ही वर्ल्ड है गाइस। चक्कर इधर रेलवे ट्रैक है दोस्तों, ये तो बंद है अभी चल नहीं रहे। इधर ब्रिज है और उधर बड़ा सा एक सारस भी है रेलवे ट्रैक के बगल में, दिखाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए। ये भूत बंगला गाइस, अंदर बहुत डरावना सीन दिखाया जाता है गाइस। असली मज़ा तो इस एरिया में था, वाटरफॉल है इस एरिया में, लेकिन यहाँ का सारा चीज़ इधर वाटर स्लाइड भी है सब चीज़ बंद है। देख सकते हो वो पहाड़ के जैसे दिख रहा है, वो अभी पूरा वाटरफॉल्स के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी पूरा बंद किया गया है दोस्तों। उधर अलाव नहीं किया जा रहा है अभी, तो उधर नहीं आते हैं। बताया जा रहा है कि ये इधर का पूरा वो 2 बजे के बाद ही अलाव होगा, 2 बजे के बाद ही चालू होगा। अभी तो बजे हैं 12:30, तो पता नहीं शायद हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे 2 बजे तक। अगर रहेंगे तो दिखाने का कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को यहाँ का सारा चीज़। अभी गाइस लंच का टाइम है और सभी को उधर खाना वाना व्यस्त खाने में है, हम लोग तो खा लिए हैं थोड़ा सस्ता वाला। गाइस कैंटीन से ख़रीदना पड़ता है तो बहुत महंगा पड़ता है, इधर अंदर में ही सारा चीज़ मिलता है। तो हम लोग यहाँ का फेवरेट खाना खा रहे थे सांभर राइस, और वो थोड़ा सस्ता था 75 रुपीज़ पर प्लेट। तो 2 प्लेट खाए दोस्तों, 1 प्लेट ख़त्म ही नहीं हो रहा था, जैसे तैसे खाए। और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं गाइस, अभी इधर फाइनल पार्ट बाकी है हम लोग का वाटर स्लाइड्स की, वही पार्ट अभी बचा है, नहीं तो पूरा झूला उला सब चीज़ झूल लिए हैं। कुछ चीज़ को छोड़ भी दिए हम लोग जिसमें मस्ती नहीं आता ज़्यादा हमें, तो ये फाइनल है वाटर का। वो 2 बजे खुलेगा तो उसी के इंतज़ार में भी सभी कोई है। जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है उधर भीड़ लगते जा रहा है, और हम लोग साइड में आके बैठ गए हैं इसके साथ में, और ये बंदा भी कुरकुरे खा रहे देखिए। तो अभी हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं 2 बजने का। तो गाइस अभी वाटर छोड़ दिया गया है, वहाँ जो माउंटेन जैसे दिख रहा था वहाँ देख सकते हैं, और काफ़ी लोग जा करके एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी अभी वहाँ जाएंगे, थोड़ा ठंडा हो लेंगे, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। सब आर्टिफिशियल है गाइस, लेकिन लग रहा है देखने में नेचुरल और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए पास जा करके देखते हैं वहाँ। तो गाइस इस जगह पे सभी को एकदम लास्ट मोमेंट में आते हैं, क्योंकि यहाँ मस्ती करने के लिए ड्रेस चेंज करना पड़ता है दोस्तों, और ड्रेस चेंज करने के बाद में सभी कोई अपने अपने फ्री स्टाइल में मस्ती करते हैं यहाँ। अभी कुछ समय के लिए पानी यहाँ चालू है, और अभी देख सकते हैं गाइस यहाँ का पानी सप्लाई बंद हो गया है, तो अभी सभी कोई नीचे की ओर जा रहे हैं जिधर स्विमिंग पूल है उधर। तो सभी को उधर चले गए नीचे की ओर गाइस। हम लोग इधर कुछ मस्ती नहीं किए दोस्तों, बस देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कुछ समय के लिए पानी चलाया गया था। अभी सभी को नीचे चले गए हैं, इधर का वाटरफॉल बंद कर दिया गया है, और अभी उधर पॉन्ड जैसे है उधर वेव चालू किया गया है। इधर सभी को चले गए हैं और उधर खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी यही हम लोग का लास्ट है, हम लोग आके नहाए तो नहीं, लेकिन जस्ट के बगल में लोग रुके थे तो मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रही थी। तभी हम लोग चलते हैं नीचे, तो इधर वाटरफॉल में वाटर फिर से चालू किया जाएगा दोस्तों 1/2 घंटे के बाद में। जो लोग पीछे आए हैं वो मस्ती नहीं कर पाए हैं, तो कुछ देर ही वेट किया जा रहा है उनका, उसके बाद चालू किया। अभी जो उधर इंजॉय कर चुके हैं वो लोग आ गए नीचे, इधर अब इंजॉय कर रहे हैं, और जो अभी नए नए आएंगे शाम में वो लोग के लिए चालू किया जाएगा इसे फिर से, और वो इंजॉय करके फिर इधर ही आएंगे दोस्तों। तो अभी हम लोग का निकलने का टाइम हो रहा है, इधर एक झलक दर्शन कर ले। और यहाँ गाइस अभी देख सकते हैं सारे लोग इधर आ करके वेव दिया जा रहा है वाटर में, जो छोटा सा पॉन्ड जैसे है यहाँ स्विमिंग पूल जैसे बनाया गया है, यहीं सभी कभी एंजॉय कर रहे हैं। अभी उधर का वाटरफॉल सूख गया है, 1/2 घंटे के बाद में फिर से चालू होगा।
अपने अपने पार्टनर के साथ लोग आए हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस 4-5 घंटा क्वींसलैंड में स्पेंड करने के बाद अभी हम लोग घूमने का मन भी नहीं कर रहे हैं और हमें थोड़ा रूम भी जल्दी जाना है और थकान भी हो रही है गाइस। मस्ती तो बहुत की है हम और बहुत सारी चीज़ें भी देखे, बहुत चीज़ों का आनंद भी लिए और होप लो कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, आप लोग भी खूब इंजॉय किए होंगे हमारे साथ में। तो अभी हम लोग निकलेंगे गाइस यहाँ से, तो फुल मस्ती हो गया। थोड़ा सा हम लोग का ग्रुप में मेंबर्स कम हो गए, इतना हुआ हम लोग 2 जन में काफ़ी मस्ती किए और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे जगह में घुसे थे और बहुत मज़ा आया। यह है क्वींसलैंड का मुख्य गेट दोस्तों। गाइस अब यहाँ निकल रहे हैं, हम लोग निकल गए हैं लगभग, देख सकते हैं क्वींसलैंड के बगल में दोस्तों जस्ट एंट्रेंस के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है, यहाँ देख सकते हैं बहुत प्यारा चर्च। तो गाइस अब हो गया है टाइम घर जाने का, तो आज बहुत हम लोग मस्ती किए और अभी थकान भी हो रही है और दोस्तों अभी जाने के बाद में हम लोग फ्री नहीं है, हमारा छुट्टी कभी नहीं रहता है जिसकी वजह से हम लोग वीडियो भी नहीं शूट कर पाते हैं और ऐसे कभी कभी टाइम निकाल करके बहुत लंबा टाइम गैप हो जाता है तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों क्या ही बोलो, इंतजार करते रहिए मेरे चैनल में वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे अच्छे अच्छे, जब भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग्स लाता रहूँगा। तो अभी तो फिलहाल घर जाने का टाइम हो गया है, तो होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।